आप वोट किए पहले कभी? वोट तो बहुत बार किए, तारीख करते थे, अब नहीं करें। कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ? कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब परेशानी है। नेता ठीक नहीं है, मुद्दा क्या करें, नेता ही सही नहीं है, तारीख में विकास विकास कुछ करता नहीं। आप कैंडिडेट कौन? कैंडिडेट यहाँ का चुनेंगे हम लोग अपना। तो क्या इस बार कमल खिलेगा? कमल तो नहीं खिलेगा, लेकिन यहाँ से सांसद जरूर रहेगा। इसे घिसा पिटा वही पुराना कैंडिडेट दिए है कि मोदी जी का नारा है अब की बार 400 के पार, इस पर आपका क्या राय? 100% है, अब की बार 400 पार। देखिए आज देश में जो स्थिति है, इसी को देखते हुए हम तो यही कहेंगे कि इंडिया गठबंधन को ही लाना चाहिए। वोट की बात जहाँ तक है सर, देखिए अभी का जो जंगल राज है वो तो जंगल राज ही कहेंगे, इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस जंगल राज में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लोकसभा चुनाव को लेकर चौक चौराहों पर सियासी बाजार गर्म है, जनता का क्या है मुद्दा यह जानने के लिए हम कटिहार लोकसभा क्षेत्र के बारसोई मस्जिद चौक के पास पहुँचे हैं और कुछ युवा वोटर हैं उनसे जानते हैं कि इस बार जो वोट करेंगे तो इनका क्या मुद्दा होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सनवा। इस बार जो आप वोट करेंगे तो क्या मुद्दा है? हाँ। कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ? कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब परेशानी है। दिन कमाने वाला खाता पीता, कोई तो रोजगार नहीं मिलता गरीब आदमी को। और हमारे साथ एक वोटर हैं, इनसे भी बात करते हैं कि जो है NDA के तरफ से जदयू कैंडिडेट दुलाल चंद्र गोस्वामी और महागठबंधन से तारिक अनवर कांग्रेस के जो है उम्मीदवार हैं, इन दोनों में बेहतर कौन? जी हम तो महागठबंधन कैंडिडेट को लाइक करते थे, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट दिया गया है, अगर राजद अपना उम्मीदवार देता, आसपा कईम होते या कांग्रेस से तौकीर आलम होते, शकील अहमद खान होते तो अच्छा होते, फिर से घिसा पिटा वही पुराना कैंडिडेट दिए हैं, इसलिए हम लोग लोकल सांसद जो है हमारे यहाँ श्री दुलाल चंद गोस्वामी, हम लोग उनको वोट करेंगे, इसलिए कि कांग्रेस हाईकमान कैंडिडेट फिर से वही घिसा पिटा दिया है, जो बाहरी कैंडिडेट हम लोग उसको भगाने का काम फिर से करेंगे। अच्छा हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी थे कितना विकास कर पाए? जी सर विकास जो भी हो, ये कटिहार का दुर्भाग्य है कि विकास कभी भी होता नहीं है, सिर्फ नाम पे यहाँ वोट लिया जाता है, कभी तारिक अनवर 25 साल राज किए कुछ भी नहीं किए, हमारे क्षेत्र को अनपढ़ जाहिल बना के रखे। इससे बेहतर है कि हमारे यहाँ का बारसोई का जो लोकल सांसद है, जो हमारे यहाँ का बारसोई का नाम रोशन किया है, जो बारसोई से कभी तो लाइफ में एक सांसद जीता है, इससे पहले बारसोई से सिर्फ एक ही मंत्री रह चुके थे जिसका नाम था सोनलाल जैन, जो हम लोगों ने नहीं देखा है सिर्फ सुना है, अपने लाइफ में हम लोग अपना यहाँ का लोकल MP देखे हैं और हम लोग फिर से उसी को वोट करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं एक राजद समर्थक भी हूँ। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, तो क्या इस बार कमल खिलेगा? कमल तो नहीं खिलेगा, लेकिन यहाँ से सांसद जरूर रहेगा। हमारे दुलाल चंद्र गोस्वामी को हम लोग वोट देंगे और तारिक अनवर को भी देख चुके हैं, बहुत समय तक रहे हैं, कटिहार का दुर्भाग्य रहा उनको देके, काम करे ना करे जो भी किया बहुत अच्छा किया है, और 14 महीने का मंत्री रहे, जो बिहार के बारसोई का जनता को इतना विकास दिया, ITI बना, जो भी हमारे यहाँ का जो नगर पंचायत बना, बहुत सारा काम किए हैं, अब तो मैंने सांसद में आए हैं तो लंबा क्षेत्र है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उनको देने का काम करेंगे फिर, और तारिक अनवर को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। अच्छा एक युवा वोटर हमारे साथ और भी है, इनसे जानेंगे कि मोदी जी का नारा है अब की बार 400 के पार, इस पर आपका क्या राय? 100% है, अब की बार 400 पार, इसलिए 400 बार है, 400 पार है, जो गठबंधन में जो है ये लोग टिकट जैसे हेना मैडम को नहीं दिए, राजद आपका जाके पप्पू यादव को नहीं दिए, उसके बाद कन्हैया कुमार को नहीं दिए, इस तरह से आप टिकट ये लोग दिए, जो महागठबंधन अब महागठबंधन नहीं रहेगा, सिर्फ अब गठबंधन बच जाएगा। और सारे कई प्रत्याशी हैं, इनमें बेहतर कौन है? देखिए इनमें बेहतर ना ही दुलाल चंद्र गोस्वामी है और ना ही तारिक अनवर है, इसलिए हम तारिक अनवर का ही बायकॉट करते हैं और आपका जाके दुलाल चंद्र गोस्वामी का भी बायकॉट करते हैं, इसलिए बायकॉट करते हैं हमारे बारसोई क्षेत्र में। इससे पहले एक बिजली आंदोलन हुआ था जिसमें खुर्शीद और सोनू का हत्या हुआ था गोली लग के ऑन द स्पॉट, उसके बाद भी ये दोनों को आज तक मतलब कोई फैसला नहीं मिला, ना इंसाफ मिला है, ये केस अभी तक ट्रायल में चल रहा है। आप बताइए ऐसे नेता को कैसे वोट दिया जाएगा? इस बार क्या कमल खिलेगा? हाँ कमल खिलेगा, बारसो में भी कमल खिलेगा और आपका जाके किशनगंज में भी कमल खिलेगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। देखिए आज देश में जो स्थिति है,
इसी को देखते हुए हम तो यही कहेंगे कि इंडिया गठबंधन को ही लाना चाहिए। इसलिए जो आज संविधान की खतरे में है, देश खतरे में है, और हमको लगता है कि जो तानाशाही कर रहे हैं देश के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो नहीं लगता है कि इस बार भाजपा आना चाहिए। तो आप जो वोट करेंगे इस बार मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखिए, मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी। आज वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म होते जा रहा है। आप वोट किए पहले कभी? वोट तो बहुत बार किए, तारीख करते थे, अब नहीं करेंगे। मुद्दा क्या है आपका इस बार जो वोट करने जाएंगे? नेता ठीक नहीं है, मुद्दा क्या करें, नेता ही सही नहीं है, तारीख में विकास उकास कुछ करता नहीं। आप उसको पिछला बार भी सब वोट दिया, कितना वोट दिया, कभी कोई काम ही नहीं किया। काम तो लोगों का और भी लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, हमारा यहाँ का नहीं है कोई काम के लिए, उसको जाना बात खोजने जाएगा आदमी। कैंडिडेट कौन? कैंडिडेट यहाँ का चुनेंगे हम लोग अपना, तो जंगल राजी कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका हक जिसको मिलना चाहिए मिलता तो है नहीं, ये सारी पब्लिक जानती है और सारे मंत्रीगण भी जानते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस जंगल राज में जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी।